नाज़रीन, मैं साहिबा कंवल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची का बेगर माफिया, यानी कि गदागर माफिया के खिलाफ चीख उठा कराची का सीक्वल नंबर 3। ये सीक्वल मोस्ट अवेटेड सीक्वल्स में से एक है। जैसे कि आप हमारा ईव टीजिंग का सीक्वल हमेशा इंतज़ार करते हैं, एक सीक्वल ख़त्म नहीं होता कि आपकी दूसरे सीक्वल के लिए, अगले सीक्वल के लिए आपकी फरमाइश आ जाती है। इस दफ़ा जो गदागर माफिया के खिलाफ हम जो करने के लिए जा रहे हैं, इनको एक्सपोज करने के लिए, क्या करने के लिए जा रहे हैं? सीक्वल नंबर 3 है, कुछ तो अलग हो। तो आपको मुबारक हो, पहले तो आपने ये खबर सुनी ली होगी कि मुसलसल सऊदी अरब में बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी गदागर जिनको बाकायदा तौर पे एक सरपरस्ती के अंदर जो है वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है भीख मांगने के लिए, पाकिस्तान को मज़ीद बदनाम करने के लिए पूरे पूरे इनके जो जहाज़ भर भर के जा रहे हैं। पाकिस्तान में तो उन्होंने बदनाम करवा ही दिया था, पूरी दुनिया में भी बदनाम करवाने के लिए ये जा रहे थे, जो कि पकड़े गए। पता ये चला कि जो इनके सरपरस्त थे, जिनको वहाँ पर ले जाने वाले हैं, वो स्टेक होल्डर हैं इनके, और आधी कमाई उनको जाती है और आधी कमाई ये खुद रखते हैं। यानी पाकिस्तान और बिलखसूस कराची में जिस तरीके से इन्होंने अपने पंजे गाड़ दिए हैं, आपको कोई भी यहाँ पर गदागर अपना कराची का मकामी नहीं मिलेगा, जितने होंगे वो आपको गैर मकामी मिलेंगे। ये तो हम पिछले 2 सीक्वल में भी आपको बता चुके हैं, इस सीक्वल में भी हम बताएंगे आपको, लेकिन इस दफ़ा कुछ नया भी हम करने के लिए वो ये जा रहे हैं कि आपने देखा होगा कि कराची के अंदर बिलखसूस एक ख़ास किस्म का गदागर का एक नया रूप आपको देखने को मिल रहा है। अब आपके पास वो वाले जो गदागर जो कि पेशावर गदागर हैं, जिनके हुलिये से आप जान जाते हैं, अब आपके सामने वो ज़्यादातर नहीं आ रहे। अब आपके सामने कुछ ऐसे भी गदागर आ रहे हैं जो कि आपके और हमारे बिल्कुल दिखने में बिल्कुल आप जैसे और हमारे जैसे हैं, यानी कि साफ़ सुथरे अच्छी फैमिलीज़ के नज़र आने वाले, वो आपसे अचानक आपके सामने आते हैं कि भाई मजबूरी है, घर में हालात बहुत ख़राब हैं, मैं मांगने वाली नहीं हूँ या मैं मांगने वाला नहीं हूँ, तो मेरी मदद हो सकती है। और हम ये सोच के कि पता नहीं इस बेचारे सफ़ेद पोश को कितनी ही मुश्किल दरपेश है, हम अपने जेब में जो भी होता है हम उसके हाथ में जितना भी हम दे सकते हैं दे देते हैं। वो भी स्कैम है या क्या है वो भी हम आज आपको दिखाते हैं। मैं खुद उस हुलिये में अबाए में जाऊंगी और मैं लोगों से मुख्तलिफ जगहों पे इसी तरीके से तकाजा करूंगी, और जो भी पैसे अगर मुझे मिलेंगे, देखते हैं लोग हमें पहचानते हैं या फिर इस स्कैम को हम सही तरीके से, इस रैकेट को हम आश्कार कर पाते हैं या नहीं कर पाते, इसका अभी प्रोग्राम के शुरू के हिस्से में हमें भी नहीं पता। हम जा रहे हैं मुख्तलिफ शाहराहों पर, मैं अपनी टीम के साथ, लेकिन इस दफ़ा हमारे साथ ह्यूमन राइट्स की पूरी एक टीम मौजूद होगी। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, सबसे पहले मुझे आप देखेंगे मुख्तलिफ कराची की शाहराहों पर और जगहों पर जहाँ पे मैं गेटअप में मौजूद होंगी, मेरे साथ रहिएगा। अब मैं साइमा कंवल, अब जो हमारा ये इस वक्त प्रोग्राम शुरू हो रहा है, इसमें मैं मास्क लगा के इसी हुलिये में मैं मुख्तलिफ जगहों पर खड़ी होंगी, और मैं बिल्कुल उसी तरीके से उनका जिस तरह मांगने का तरीका है मैं इस तरीके से मांग के देखूँगी। पहले मैं आपको लोगों का रवैया दिखाऊंगी, गौर से देखिएगा। रुकिएगा बस, थैंक यू सो वेरी मच, आपने ये खैरात तो दी। सर आपने मुझे इतने सारे पैसे दे दिए, उठा के आपने मुझे 2000 रुपए दे दिए आपने, आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको मुझे ज़्यादा देनी चाहिए? आप इस तरीके से रोड पे आपने देख लिया होगा, मैं साइमा कंवल, मैं इस वक्त एक्सटिंग ऑपरेशन पे हूँ। सर मैं आपको इतनी देर से मैं वॉच कर रही थी, आप एक एटीएम पे गई, शायद वो शायद चल नहीं रहा था, आप इस वाले एटीएम पे आई हैं और मैं आपको देख रही थी, तो मुझे आपने इतने सारे पैसे दे दिए सर, मतलब आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे पैसे ज़्यादा देने चाहिए, किराया ज़्यादा देनी चाहिए? अब मैंने आपको देखा, आप इस तरीके से खड़ी हुई हैं, आप माली मदद की आपने बात करी, इसलिए आपको दे दिए, और
सर आपके आपके जज्बे को सलाम, आप खैरात का और आप एक इंसानी हमदर्दी का आप जज्बा रख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है सर, ये अच्छी बात है। लेकिन सर ये आपकी हार्ड अर्न मनी है, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगी कि हार्ड अर्न मनी को पहले आप देख लीजिए कोई डिज़र्व कर रहा है या नहीं कर रहा। अमूमन आपने देखा होगा बिल्कुल मेरे हुलिये के तरह के बहुत सारी खवातीन और मर्द हजरात भी अपने बच्चों के साथ, आजकल ये नया स्कैम आया हुआ है सर, ये एक स्कैम है गदागर माफिया का, खुदा के लिए इससे अपने आप को बचाइए। ये आपका जो पैसा है ना, ये अगर आपने देना है तो बिल्कुल सही जगह पे ऐसे मखसूस लोग जो कि सफ़ेद पोश लोग हैं ना, वो कभी हाथ नहीं फैलाते, आप उनको दीजिए, बजाय इसके कि हम ये जो पूरी करान पाल रहे हैं इन बेगर माफिया की, हम खुद पाल रहे हैं ना, तो मैं ये आपसे कहूँगी कि आपका हमदर्दी के जज्बे को सलाम, इंसानी हमदर्दी के जज्बे को सलाम, लेकिन खुदा के लिए जब आप खैरात करें ना तो पहले देख लें कि आप वो डिज़र्व करता भी है या नहीं करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप जो है, मैं यही कहना चाहूँगी जिस तरीके से ये साहब, मुझे मालूम है कि इस वक्त आप आए और अचानक मैंने अपना वो माइक निकाला तो मुझे डर था इस बात का कि आप एकदम रिएक्ट ना कर जाए, आप मतलब ये एक मिनिस्ट्रिंग ऑपरेशन का हिस्सा था सर, आई होप कि आपने माइंड नहीं किया। नहीं नहीं इस ओके, कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है आप ये कर रही हैं और ऐसे अच्छा है जो गलत इसका यूज़ कर रहे हैं वो सही है, बस आइंदा ध्यान रखिएगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए सर, ये जब आप इस तरीके से एक आम खातून के हुलिये में आप खड़ी होती हैं, जिस तरह के आजकल आप पूरे कराची के अंदर ऐसा लगता है कि ट्रक के ट्रक लाके खड़े कर दिए गए हैं ऐसी खवातीन के और ऐसे मर्द हजरात के, बिल्कुल आपको इसी हुलिये में मिलेंगे, बिल्कुल मैंने मास्क इसी वजह से लगाया हुआ था ताकि मैं पहचान में ना आ सकूँ। और जिस तरीके से अभी ये साहब आए हैं, इससे पहले जब हम लोग एक और जगह पर जो प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में जब हम कर रहे थे तब भी गाड़ी में एक साहब आए थे, सर मैं आपका नाम नहीं जानती लेकिन आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से बात की कि बेटा आपका यहाँ पे खड़ा होना सही नहीं है, आप ये लीजिए 1000-2000 रुपये उन्होंने मुझे दिए और मैं उनको बोलती रह गई कि ये बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा इसीलिए दिए कि तुम घर जाके आराम से इसको, अगर कोई वैसी भी मदद की ज़रूरत हो तो आप सड़क में बताइए, आप मांगिए मत। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन क्या इनके साथ ज्यादती नहीं है कराची वालों के साथ के, और उन लोगों के साथ खास तौर पे कि जो कि स्याह पोश सफ़ेद पोश लोग हैं, और सफ़ेद पोश लोग कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, हमें उनको खुद तलाश करना पड़ता है ताकि उन तक मदद हमारी पहुंचे, हम उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं इन सिर्फ पूरी ये जो पूरी एक करान पाली हुई है हम लोगों ने ऐसे फ़कीरों की, ऐसे गदागरों की, जो ना सिर्फ पाकिस्तान में, ना सिर्फ कराची में बल्कि सऊदी अरब में भी और दीगर ममालिक में भी उनके पूरे गैंग उनको उठा के लेकर जा रहे हैं और हमारे लिए खिफत का बाइस बन रहे हैं, हम उनको पाल रहे हैं। खुदारा अपने ये जो पैसे हैं, मैंने अभी जाके उन साहब को मैं उनको देती भी हूँ, उनकी अमानत है मैं उनको देती भी हूँ, और मैं आपसे भी इत्तबास करूँगी कि खुदा के लिए इस स्कैम को समझें, यह हमारा प्रोग्राम करने का मकसद यही है। तो जनाब अगर आप मुझे नहीं पहचान रहे तो ये रही मैं साइमा कवर और मैं इसी तरीके से अब जा रही हूँ आगे। ये है डिस्को बेकरी का स्टॉप जिसके बारे में मशहूर है, इससे पहले भी मैंने यहाँ पे एक इसी हवाले से फ़कीर माफिया के हवाले से, गदागर माफिया के हवाले से मैंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जो बड़ा कामयाब रहा था। आप ज़रा जाके देखते हैं वहाँ पर कि वहाँ पर कोई कमी बेशी आई गदागरों की तादाद में या नहीं। मुझे ये बताया गया है कि वो पहले से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर गए हैं, यानी कि उनकी तादाद ज़्यादा हो गई है। पता नहीं मुझे नहीं पता।
वहाँ ये भी इधर है, हम सारे इधर है, कोई टेंशन नहीं है तुम्हें, कोई मसला नहीं है। से जरा माइक निकाल दूं कि यहाँ पर इस सिग्नल के ऊपर मैं काफ़ी देर खड़ी रही हूँ और मुझे मेरे मंशा के मुताबिक बहुत सारी जो मालूमात थी वहाँ से मिल गई है। आपने देखा होगा जिस तरीके से मैं यहाँ पे मांग रही थी, मैंने यहाँ पर जिस तरीके से आपने सुना होगा कि मैंने इनको ये बताया मैं डेरा गाजी खान से आई हूँ और मेरे घर में नाचा की और मुझे यहाँ पर मांगना है, तो वहाँ पर जिस वक्त मैं खड़ी हुई थी तो वहाँ पर मुझे किसी ने मना किया, वहाँ पे मैं मांगने के लिए खड़ी हुई आम होलिया में, तो उन्होंने मुझे मना किया यहाँ पे नहीं जाओ, सामने जाओ, सामने। मैं अब यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की ख़वातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं और ये अरसे दराज से यहाँ पर मांगी। उन्होंने कहा किसी का बाप का ये जो है वो सिग्नल नहीं है, जिसको मांगना है मांगे। ये एक अलग मुझे बात पता चली, यानी कि ये सिग्नल जो था इसके ऊपर उन्होंने मुझे कहा कि तुम हमारे गैंग में आना चाहती हो तो आ जाओ, यानी कि अगर आप मांगना चाहती हैं तो मांग लें और यहाँ पर इस सिग्नल को अपने अब्बा जी की जागीरी समझाएं आप हमारी तरह। तो ज़रा थोड़ा सा हम यहाँ पे मालूम कर लेते हैं, ये भी पूरा एक आमाद का बना हुआ है पूरा इनका। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, सॉरी माँ जी, माँ जी पहले बताएं मेरी एक्टिंग आपको कैसी लगी, बस ये पहले बता दें। एक्टिंग अच्छी है, तुम अच्छा बोल सकती हो, अच्छा बोल सकती हो। अच्छा बोल तो मैं बोलने की वजह से तो माँ जी मेरी शोहरत है। माँ जी पहले मुझे ये बताएं, ये आपने मुझसे कहा किसी के बाप का सिग्नल नहीं है, ये खड़ी हो यहाँ पर मांगना है मांगो। माँ जी आप मुझे ये भी कह सकती थी कि तुम किसी घर में जाके काम कर लो बेटा, लेकिन आपने मुझे कहा नहीं नहीं मांगो मांगो मांगो। है ना, जब तुम आई हो मांगने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम करो अपना धंधा। माँ जी आप मुझे ये भी तो कह सकती थी कि बेटा यहाँ पे तो कोई दूसरे काम कर ले, कोई सफाई वगैरह का काम कर ले, क्यों तू यहाँ पे खड़ी हुई है। आपने मुझे कहा नहीं नहीं आओ मांगो। आपने ये कहा कि मैं अपील करूंगी, गुजारिश करूंगी, मुझे पैसों की जरूरत है। पैसों की जरूरत किसको नहीं है माँ जी, लेकिन आप मुझे ये कह सकती थी कि तुम किसी घरों में काम कर लो, यहाँ पे तुम आपने कहा नहीं नहीं मांगो। ये बात क्यों कहूँगी, तुम घरों में काम कर लो, क्या घरों में तुम महफूज रह सकते जब तुम दारुल अमान छोड़ के आते। मैं सड़क पे महफूज रह सकती हूँ, मैं सड़क पे महफूज रह सकती हूँ। मुझे बता दें मुझे दो बंदे यहाँ पर, मैं यहाँ पर अबाई में खड़ी थी माँ जी, मुझे दो बंदे गंदी नजरों से देख देख के गए, तो क्या मैं यहाँ पे महफूज हूँ। ये बात तो ना करें कि महफूज तुम घरों में भी नहीं होगी, तो मांगना कौन सा महफूज है। इसका मैं हटाओ ग्राफर का, ए आउट हो जाओ। नहीं नहीं माँ जी आप जब हाथ फैलाती हैं, आप जब हाथ फैलाती हैं तो उस वक्त तो बिल्कुल आपको शर्म नहीं आ रही होती, अब आपको कैमरे को देख के आ रही है। क्या मतलब तुम्हारा शर्म के, यहाँ मंशियात बेच रहे हैं, हम ख्वाजा सरा हैं, यू आर अट रॉन्ग, तुम लेडीज समझियो। माँ जी बात यहाँ पर देखे, मांगना या हाथ फैलाना ये यूं करके छीनने से बेहतर है। आप कह रही हैं कि छीनने से लाख दर्जे बेहतर है कि हाथ फैला दो। हाँ सही बात है। अच्छा आप चूंकि ख्वाजा सरा हैं, मुझे ये पता नहीं था कि आप ख्वाजा सरा हैं। ख्वाजा सरा के लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सवाई इसके कि इस वजह से मैं आपको रिलैक्सेशन दे रही हूँ इस मामले में। लेकिन यहाँ पे बाकी तो खवातीन मौजूद थी ना जो अभी भाग गई है मुझे देख कर, वो तो खवातीन थी ना ये सारी जो अभी अभी उठ के चली गई हैं, वो कह रही है मीडिया वाली मीडिया वाली। मैंने कहा तो क्या हुआ मीडिया वाली है, तो फिर पूछेगी तो बताओ। नहीं ऐसा तो खैर नहीं हुआ था माँ जी, मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे मौजूद थी काफ़ी देर से, आपने देखा होगा मैं उधर भी मौजूद थी, वहाँ पे भी अलग ही माशाल्लाह गोरख धंधा खुला हुआ है। मैं आपके ख्वाजा सरा होने की वजह से मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये, क्योंकि आपके पास कोई इस माशरे ने कोई दूसरा आपके पास रास्ता छोड़ा भी नहीं है मांगने का, मैं आपको इस वजह से नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ बाकी क्यों भाग गई, बाकी तो वो खवातीन थी ना सही सलामत खट्टी खट्टी, वो क्यों भाग गई। देरी तो छो मैं नहीं रिजान, अब किसी पे इल्ज़ाम क्या दूँ, किसी की मजबूरियों का क्या अंदाज़ा, किसी को इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता, मैं इस नेचर की मालिक हूँ, नहीं कहती हैं जवान कोई है फिट है। अरे आपकी नेचर आप मुझे मालूम है, मैं काफ़ी देर आपके साथ गुजार चुकी हूँ, मैं बार बार आपसे ये कह रही हूँ कि देखिए कि आप यहाँ पर हैं, आपका यहाँ पे होना समझ में आता है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बाकी वो जो खवातीन खड़ी हुई थी वो तो अच्छी खासी हट्टी कट्टी थी ना उनके पास, तो मतलब उनको मॉडल है, बल्कि मॉडल है कि हट्टी कट्टी ही नहीं मॉडल है। किस चीज़ की मॉडल,
देखने में खूबसूरत कपड़े, खूबसूरत उनका लिबास, खूबसूरत उनका सारा बैठना उठना, बातें करना, टच मोबाइल भी होगा उनके पर्सों में। तो वो मतलब यानी कि उनके पास टच मोबाइल भी है और वो मांग भी रही हैं और अच्छे खासे हुलिये में भी है। जाहिर सी बात है, यहाँ सिर्फ यही चीज़ें नहीं है, अगर एक बंदा एक पॉइंट को लेके चले तो मेरा ख्याल है कि वो कहीं कामयाब हो ही जाए। एक एक बंदे के सर पे 10-10 तो ड्यूटीज़ हैं, वो कौन कौन थी अपने फ्राइज में। मैं आपकी बात नहीं करूंगी, आप आपसे मुझे सिर्फ मालूमात चाहिए, मुझे आपको पकड़ना नहीं है या आपको एक्सपोज नहीं करना, क्योंकि आप पकड़ेंगी भी तो क्या पकड़ेंगी हमारे। नहीं, 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 मैं यही कह रही हूँ, आप ख्वाजा सर है, मैं आपकी बात नहीं कर रही, लेकिन जो यहाँ पर बाकी खड़ी हुई है, आपको लगता है कि उनको खड़ा होना चाहिए यहाँ पर? सबसे बताइएगा उनकी सेहत, उनके हुलिया, उनके हाथ में टच मोबाइल, उनको लगता है कि आपको मांगना चाहिए? सर बताइएगा, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आपको आपको हमारी तरफ से जो है ना वो क्लीन चिट है, ख्वाजा सर आए आप, आपको क्लीन चिट है। मुझे बाकियों को बता दें, बाकी जो यहाँ पर मौजूद थी, यहाँ पर आप बताओ कि अगर उनमें कोई कमी थी तो वो यहाँ से भाग गई। यानी आपने मान लिया कि उनको यहाँ पे मौजूद नहीं होना चाहिए था, ना मांगना नहीं चाहिए था, ऐसा है? हकीकत है, हकीकत है कि चादर चार दीवारी किस लिए बनी है? जो बच्चा बना सकता है वो बिठा के रोटी नहीं खिला सकता, जो घर सजा सकता है बेड सजा सकता। अरे माँ जी, आप तो चल नहीं सकती थी। अरे सुने आंटी, आंटी आप तो चल नहीं सकती थी, आंटी आप तो चला नहीं जा रहा था, आप तो कह रही थी कि मैं चल नहीं सकती। क्या? अरे बात तो सुनिए माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, एक दफा बताइए, आपने लिखा इसके ऊपर कि मैं चल नहीं सकती हूँ, आप तो अच्छा खासा चल रही है माशाल्लाह, मिरेकल, मौजा, मौजा हमारी आंखों के सामने। नहीं मैंने तो कह लिया, थोड़ा सा देखे मेरी बात तो सुनिए। अरे बात तो सुनो माँ जी, ये माँ जी जो थी मेरे लिए बिल्कुल भी ये कोई कोई ऐसा वो नहीं है कि अचंभे की कोई बात हो, ऐसा पहले भी हो चुका है, मेरी आंखों के सामने मिरेकल हुआ। चले जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं, इन्हीं के साथ चलते हैं। कहाँ पे? अच्छा रहती है आप गुरु कहाँ पे? अरे आप घूंगी कैसे बन गई, आप तो मुझसे बातें कर रही थी आंटी। बेटा मैं जा रहा है गर्मी करने, अभी फिर वापस आ जाऊंगी। अभी कहाँ जा रही है? अच्छा सुनो सुनो सुनो, अरे अरे सुनो तो सही यार, ये थी इन लोगों की दौड़े, ये आपसे मांग रहे होते मजलूम बनके और बेकस बनके। आज मैंने इनकी पूरी कन्वर्सेशन सुनी, फकीर बनके मैंने इनकी पूरी कन्वर्सेशन सुनी। एक यहाँ पर जो है ना मेहनत करके खाना या मेहनत करके मांगना, मांगने के बजाय मेहनत करना, इनके डिक्शनरी में ये लफ्ज़ नहीं है। ये पूरे के पूरे गैंग आए हुए हैं और ये अभी मेरे, मैं जितना एक्सपेक्ट कर रही थी 15 से 20 मिनट के अंदर इनके साथ खड़े होकर गदागर बन के ही मेरे साथ, सॉरी मेरा सांस फूल रहा है इस वक्त, मैं जिस तरह भागी हूँ, वो जो बंदी मेरे से ज़्यादा तेज़ भाग रही थी, आप यकीन करें वो ऐसी ऐसी अपनी दुख भरी दास्तानें बता रही थी कि मेरे गुर्दे में दर्द, मेरे पाँवों में दर्द, मेरी टांगों में दर्द, मुझे रीढ़ की हड्डी का मसला। वो रीढ़ की हड्डी का मसला आपको लग रहा है उसके साथ किसी किस्म का कोई था? एक वहाँ पे खातून बैठी है और वो सुबह से शाम तक बैठी हुई है, जब तक कि मेरा ये मान नहीं निकला। वो एक अपाहिज औरत बनकर पूरा बैनर उन्होंने उठाया हुआ, मैं अपाहिज हूँ, और जैसे मेरा माइक निकला है और हम अपने फॉर्म में आए हैं तो वो वहाँ से यूं करके इस तरह बोरिया बिस्तरा लपेटा मेरी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने वो भागी हैं। अल्लाह का वास्ता है अपने पैसों को सही जगह पे जो है आपकी हार्ट एंड मनी जो है अपनी हक हलाल की कमाई खुदा के लिए इन हराम खोरों के सामने बटा लें, इनको मत पाले खुदा के लिए। हम किस किस से जान छुड़वाएं, किस किस माफिया से जान छुड़वाएं? अब यहाँ पर मैं उनसे कह रही हूँ कि कोई काम है नहीं, काम वगैरह कुछ नहीं मांगो, काम वगैरह कुछ नहीं मांगो।
और फिर उसके बाद ये अपनी जो है ना वो इस तरीके से। अच्छा, ख्वाजा सरा को मैं कुछ भी नहीं कहती इस वजह से क्योंकि ख्वाजा सरा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सवाए मांगने के, इनको रिलीफ है। मेरी तरह से मैं कभी इनके हाथ नहीं डालूंगी कभी भी, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर कोई दूसरा रास्ता है तो बताइए, फिर हम इनको भी इसके ऊपर पकड़ करते हैं। अभी फिलहाल इनके पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हराम है कि जो बाकी हट्टी कट्टी औरतें यहाँ पे बैठी हुई हैं, हट्टी कट्टी और बहानेबाज ड्रामेबाज इस किस्म की औरतें हैं कि यहाँ पर वो बैठी हुई है वो औरत, और वो सुबह से शाम तक अपाहिज बन के मांग रही है और पता नहीं किस किस एक मुस्तहिक का हक अपनी झोली में डाल रही है और आप और मैं डाल रहे हैं। अभी तक तो यही हम दिखा रहे थे, जरा किसी दूसरे सिग्नल पे भी चलते हैं, वहां पे देखते हैं वहां पे क्या कहानी चल रही है। हिस्से में अब जब आपसे मेरी मुलाकात हो रही है तो हम जो असल वाले पेशावर फकीर हैं, जो गदागर हैं, जो आपको हर पुल के नीचे हर चौराहे पर जहां पर आप जाएं, बस आप यकीन मानिए कि आप अगर दही लेने के लिए भी जा रहे हैं ना तो उसके पीछे भी आपके, जब आप पलट के देखेंगे तो आपके पीछे एक गदागर होगा। इतनी कसीर तादाद में गदागरों को लाकर कराची में फेंका गया है, मुख्तलिफ शहरों कस्बों साउथ पंजाब से, इंटीरियर सिंध से, इतनी जगहों से, यहाँ तक कि पिशावर से भी बहुत सारे लोग, और इसमें बहुत बड़ी तादाद अफगानी जो गदागर है उनकी भी है। तो मैंने ये सोचा कि हमेशा हम लोग जाते हैं इनके खिलाफ जब कार्रवाई हम लोग कर रहे होते हैं या इनको एक्सपोज कर रहे होते हैं हम लोग, जिस तरह अभी भी प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने इनको एक्सपोज किया है, अब जो ये पेशावर गदागर हैं इनके लिए हमने सोचा कि हम किसी ऐसी जो एक अथॉरिटी है उसको हम लोग कॉल करें और उनको अपने साथ लेकर जाएं जो वाकई में रेलेवेंट है। तो जो ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस वेलफेयर है, हम उनकी रोए रवा इरम सलीम हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया इरम सलीम साहिबा, आप हमारे साथ आई हैं। इरम सलीम साहिबा, आपने देखा होगा पूरे कराची के अंदर ये गदागर जिनके खिलाफ अक्सर बेशतर कार्रवाई होती है लेकिन वो निल होती है। अभी आप ये देखिए, ये पूरे आपको पुल के नीचे, आयशा मंजिल के नीचे अभी आपको नजर आएंगे, ये सिर्फ एक जगह है। आपने क्या ऑब्जर्व किया है, हम तो ये तीसरा सीक्वल कर रहे हैं, आपने क्या ऑब्जर्व किया है कराची में, इस वक्त कितनी तादाद तकरीबन आपके अंदाजे के मुताबिक होगी गदागरों? अस्सलाम वालेकुम, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस से इरम सलीम, वुमेन विंग की प्रेसिडेंट। जी बिल्कुल डियर, ऐसा है कि कराची में इस वक्त जो गदागरी है वो लाखों की तादाद में लोग आ गए हैं, और जो कि इस वक्त हम अगर ह्यूमन राइट्स के हवाले से देखें हमारे लिए, तो इनके लिए भी है कि हम इनको सपोर्ट करें, इनको हम प्रमोट ना करें, लेकिन हाँ इनकी जगहें, इनको जो इनके इलाके से हैं इनको वहाँ भेजा जाए, क्योंकि कराची इस वक्त जो बन चुका है वो एक तरह का, वो इन लोगों ने माफिया बना दिया है कि हर शख्स हर तबका जो इस वक्त है वो कराची को ही लूटने के लिए बैठा है। अब एक ये माफिया ही है पूरा जो कि इस वक्त कराची पे छा गया है, एक गदागरी को लेके, एक ड्रग्स को लेके। हम खुद इस चीज़ के लिए वर्किंग कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ह्यूमन राइट्स के तरीके से हम लोग आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम मुझे ये बताइएगा, एक मिनट मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं ये सिर्फ जानना चाहती हूँ, आपने कहा तकरीबन लाखों की तादाद में सिर्फ कराची के अंदर मुख्तलिफ शहरों से गदागर लागे गए हैं। अभी अगर इस जगह की हम बात करें, इस जगह को तो छोड़ें, ये तो पूरा एक पुल नीचे आपने देखा होगा भरे पड़े, आप जब इनको पकड़ते हैं तो इनको कहाँ पे आप जाकर इनको फिर वापस छोड़ते हैं? हम अगर इनको पकड़ना भी चाहें ना तो हम इन्हें पकड़ नहीं सकते, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि ये एक पूरा माफिया है। क्यों, अगर हम इसके ऊपर हाथ, हम क्या बड़े बड़े लोग भी अगर इस पर हाथ डालेंगे तो हम नहीं डाल पाते, हम एक छोटी सी, क्यों सर, मैडम क्यों, ये हमारा माफिया बन चुका है इस वक्त, और ये लाखों की तादाद में है और ये पुलिस की सरपरस्ती में सारा काम हो रहा है। अब चलते हैं जरा यहाँ, निकास साहब क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इनके तो मैडम बकायदा बैंक अकाउंट्स खुले हुए हैं, आप डिस्को बैंकरी पे जाए वहाँ पे मिजान बैंक है, और एक मैंने यकीन करा लिटरली खुद देखा जाके वहाँ पे, इनके बैंक अकाउंट भी होते हैं, इनके बैंक अकाउंट है वहाँ पे, करोड़ों रुपए उसमें डिपॉजिट हो रहे होंगे हर रोज। ये वो जगह है बता रही है जहाँ पर हमने ऑपरेशन किया था, जहाँ पे मैं खुद इसी गेटअप में गई थी, तो ये कह रहे हैं वहाँ पे उनके बैंक अकाउंट भी है। पूरी पूरी करान यहाँ पे बैठी हुई है, इन गदागरों की पूरी पूरी फैमिलीज यहाँ पे अलाई गई है, एक का ताल्लुक कराची से नहीं, एक का ताल्लुक कराची से नहीं।
मेरे साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन ह्यूमन राइट्स के जो रुए रवा हैं और जो पूरी टीम है मेरे साथ मौजूद है। तो मैडम ज़रा इनसे बात कर लेते हैं ज़रा, ताकि आप इनका फिर सही तरीके से बंदोबस्त करें। क्या करती हो भाई? कुछ भी नहीं, मांग के खा लेते हैं खाना। मांग के खा लेते हो? आएगा आया पंजाब से। तो तुझे पंजाब पे कोई दूसरा शहर नहीं मिला? अपने शहर में क्यों नहीं मांगा? वहाँ पे कोई देता ही नहीं है, क्या करे फिर। तो तुम लोगों को लगा कि कराची सिर्फ मांगने की जगह है, कराची में लोग देते हैं, कराची के लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। यहाँ पे किसके साथ आए हो तुम लोग? बस ऐसे ही गाड़ी पे आ गए इधर। कौन जाके छोड़ता है, कौन उठाता है यहाँ पे? पूरा सुबह में आप लोगों को गाड़ी छोड़ती है, शाम में उठाती है? नहीं उठाती नहीं, हम लोग इधर ही मांगते हैं, इधर ही खाते हैं, इधर ही सोते। तुम लोग खुद तो नहीं आए ना, लेके तो कोई आया ना तुम्हें? नहीं हम खुद आए हैं। तुम्हें कोई लेके आया है? नहीं। तुम्हारी बंदी ने हमें ये बात बताई है कि हमें कोई लेके आया? बकायदा हमारा पंजाब लाहौर से। आप ना लाहौर की हैं ना आप सरायकी पट्टी की हो? सरायकी नहीं, हम बागड़ी है, ये मेरा चोर मुसलमान है, मुझे मुसलमान बना। पंजाब में बागड़ी कहाँ से आ गए? चंडोल आर्मिया तो सिंध और पंजाब है। यही नहीं पता कि तुम कहाँ से आई हो? चंडोल यार से या इधर से, जो भी मुसलमान आए वो भी हम सियानी वेलफेयर के थ्रू हमने उन्हें बकायदा पूरी जगह प्रोवाइड की गई है कोरंगी में। तुम क्यों नहीं करेंगे? मेरा शोर मैट्रिक पास है, हम कहते हैं जॉब मिल जाए हमें, मकान मिल जाए हम काम करेंगे। आपको छोड़ा, वो आपको जॉब करने नहीं देंगे? किसी ने नहीं छोड़ा, क्यों? हम बच्चे के वाले, हम झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ बोलने से हमें कोई खाना नहीं दे जाएगा। हम अल्लाह के, कितना झूठ बोले मैंने, लाहौर से फिर पंजाब से फिर पंजाब। पहले मालूम कर ले कि वो पिंडी का है भी, अब तुमने 10 बयान तो खुद मेरे सामने बदले। सामा आप कहाँ गए? चलो मैं इनके शोर से बात करती हूँ। भैया कहाँ से आए हो? मैं इस्लामाबाद का हूँ। क्या काम करते हो आप लोग? मैं फैक्ट्री में काम करता था। फिर क्या हुआ? वहाँ 6 महीने के लिए गैस बंद हो गई, ब्लीचिंग का काम था। तो ये अच्छे लग रहे हो, पढ़े लिखे लग रहे हो, एक और अच्छी हिंदू लड़की को मुसलमान किया, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। मगर मुसलमान होने के बाद आपने मुसलमान हो के और ये काम कर रहे हो? जगह नहीं है रहने की, यहाँ से भी KMC वाले हटा देते हैं। कराची ये काम क्या कर रही है तुम्हें समझ में आ रहा है? इसका ये तुम्हारी बीवी काम क्या कर रही है? सही बात है। कैसे सच माना जाए कि आपने इस हिंदू लड़की से शादी की है? हमने तो ये सुना है कि आप लोग, सर यहाँ पे मामला हिंदू और मुसलमान का नहीं है, सर मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, यहाँ पे गदागर का मामला है। गदागरी करवाते हैं आप इनसे? आप इनका, आपकी वाइफ का माना है इनका? मेरे पास निकाह नामा है, निकाह नामा ला के दिखा दूंगा मैं आपको। निकाह नामा तो आपके, निकाह नामा तो वहाँ का आ रहा है। NIC आप कराची का बनवाएंगे? किसका NIC आप कराची का बनवाएंगे? कराची का, कराची का जी। आप रहते पिंडी में? NIC आप, मेरी अम्मा है ना, उनकी बहन पिंडी की है, मेरी अम्मा भी इस्लामाबाद की है। मेरी बात सुनो, इस्लामाबाद या पिंडी या कराची, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जो तुम्हारा आईडी कार्ड है वो कहाँ का बना हुआ है? वो कराची का बना हुआ। रहते तुम इस्लामाबाद में हो? जी अम्मी लोग तो रहते हैं ना वहाँ, तो अम्मी की बहन थी, उनका इंतकाल हो गया, वो तो रहते। ये पूरा माफिया उसी हिसाब से देखे। नहीं आपने झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन कराची की नेशनलिटी क्यों? पंजाब की लेना, जब आप पंजाब से ताल्लुक रखते हैं तो पंजाब पे गई है ना, पंजाब में जाए, बहुत बड़ा पंजाब, सिंध तो बहुत छोटा है, पंजाब तो माशाल्लाह बड़ा सूबा है हमारा। वो तो मुझे पता है, रख रहा कोई नहीं रहा ना, माँ बाप भी नहीं रख रहे। कराची वो माँ है इस वक्त जो सबको रख रहा है। कोई कुछ नहीं है, ये जो है ना, ये इनको हायर करते हैं, इन लड़कियों के, इन बच्चों के माँ बाप को पैसे दे के या खरीद के लाते हैं एक तरह का, और उनसे कमाई करते हैं, और इन्होंने जो है ना बैंकों में अकाउंट खोल लिए हैं प्रॉपर अपने। चले मैं आगे चलती हूँ। अब वो बच्ची जो मुझे कह रही थी ना कि बाजी मेरे तो माँ बाप यहाँ पर नहीं है, मुझे तो यहाँ पर, अभी वो जो गूंगी बन गई थी, जो बोली नहीं रही थी, अब जरा ये वो बच्ची, हाँ अब आप जरा इस बच्ची के देखिए, कहाँ से आई हो बीबी? कहाँ से? मकली से। मकली से आप कराची में मांगने के लिए आए हो? हाँ इधर आए, हमारे पास कोई जायदाद नहीं है, जमीन नहीं है, हमारा कोई कमरा नहीं है, प्लाट नहीं है हमारे, हम क्या करें गरीब। आप मुझे सिर्फ ये बताओ, सिर्फ आपको कराची मिला था आने के लिए? हमारा पूरा लेके कौन आया? हम खुद आए। आपकी ये क्या लगती है? ये भी बेटी है। ये मुझे कह रही थी अभी आके, अल्लाह माफ करे, इतने मैंने झूठा आज तक कभी नहीं सुने। ये बच्ची मेरे पास आई है, मुझे कहने लगी मेरे माँ बाप तो सिंध में रहते हैं, मुझे यहाँ पर कोई लेकर आया है। और डर रही थी, वो डर रही थी रोने नहीं, उस वक्त मेरा माइक नहीं निकला था, डर नहीं रही थी उस वक्त, मुझसे मांगने के लिए आई थी। हमारे पास कोई जगह नहीं भाई। मुझे एक बात बताओ, हट्टे कट्टे माशाल्लाह से तुम हो, हट्टे कट्टे माशाल्लाह से आप हो, आप भी और आप भी, आप कोई काम क्यों नहीं कर रहे? मांगना कारोबार हमारा टिफिन का है,
टिफिन बेचते हैं, हमारे नाड़ा नाश्ते बेचते हैं बच्चों के लिए, और वो रोजी करते हैं। एक आध काम करता है तो बाकी सारा खानदान भीख मांगने पे लगाया होता। तो आपकी बच्ची मांग रही है, आपको अच्छा लग रही है? नहीं नहीं, बेटी मांगने के लिए नहीं गई थी, समोसे लेने के लिए गई थी बच्चों के लिए। मेरे से उसने मांगा है बाकायदा, बिल्कुल उसने पूरा मांगा है उसने मुझसे। वही तो बोला था इससे। भाई अच्छा झूठ तो नहीं बोलो ना, पर इससे समोसा मंगाया था। आप क्या बात है आपके पास? इसने मुझसे बाकायदा तौर पे उसी तरीके से जिस तरीके से भीख मांगते हैं, बाजी ये तेरा ये हो जाए वो हो जाए ऐसा। बच्चा ये आपकी छोटी बच्ची कौन सी है? और आप अभी इस कंडीशन में हो, खुद डिलीवरी में हो और इस वक्त आप रोड पे बैठे हो, तो आपको बच्चे पैदा करने का बहुत शौक है और कमाने का नहीं है, ये भीख मांग के आप सारा काम कर लोगे? लड़ती है क्या है? पता नहीं काम कैसे करते हो आप लोग, ये देखो ना रोड पे बैठ के सिर्फ बच्चा बाहर बैठते है, ताकि ये कारोबार है आपका? वो कह रही है कि हम कारोबार पे बैठे हुए हैं, बेचते टिफिन वगैरह, पोनिया बेचते हैं, नाड़ा लास्टिंग बेचते हैं। बच्चे आपके मांग रही है, भीख मांग रहे हैं, क्या हो गया फिर? मतलब कराची किसकी, मतलब कराची आपकी जागीर है? पता नहीं मांग ली होगी बच्ची, इतने झूठ खुदा के लिए। एक हमारा कार्ड गुम हो गया है, शराब कार्ड गुम हो गया, किसी से नहीं मिले भाई। लेके कौन आए आप? शराब लेके कौन आए? हम खुद आए। ओ भाई सैलाब खत्म हुए हुए पूरे डेढ़ साल हो गए। बीबी बीबी आराम से, अभी तेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं तेरे से सख्ती में बात करूं। वो तू बोल रही है ऐसे ही है तो, आप ये नहीं तो बोलेंगे तो सही, जब तू तो हमारे हमारे शहर में आकर कराची में आकर तुम लोग पूरे डेरे डाल लोगे। सही बात, सिर्फ इसलिए कि इनकी आवाम बढ़ती चली जाए, खाने को नहीं है इनके पास, बच्चे पैदा करने के लिए इनके पास सब कुछ है, ये रोड पे बैठ के बच्चे जरूर पैदा कर लेंगे, आवाम बढ़ा रहे हैं। जबकि हमें तो चाहिए कि आपको चाहिए, आपके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है ना इस बंदे के पास, हमारे पास क्या कर सकते हैं? मेहनत करोगे तो पैसा आएगा ना, तो हम रोजी वो लेके। भाई तू मुझे एक बात बताओ, अपने आप को देख, और वो सामने जो बाबा वो जो बेच रहा है ना, उस बाबे को जरा देख जो यहाँ पे ये सारी वो चीज बेच, वो देख वो उस बाबे को देख, वो देख वो देख, वो जो वो बुजुर्ग अगर मेहनत करके कमा सकता है तो तुम नहीं कमा सकते? को लेके कौन आए? एक आदमी अकेला नहीं। अब भाई खुदा के लिए इससे ज्यादा झूठ ना बोल कि मैं आज ही आया हूँ, मैं तीन दिन से तुम लोगों को वॉच कर रही हूँ। अल्लाह जानता है, हम तो आज ही अभी आके बैठे हैं खाली। आज ही आया इधर, उससे क्या पूछूं, मैं खुद देख रही हूँ। ये इनके झूठ पे झूठ, इनके झूठ पे झूठ। माँ जी कौन से सिंह के शहर से आयो? जुम्मा दुल फैक्ट्री कॉलोनी। सिंध से कहाँ से? सिंध से कहाँ से तालुक है? पीछे से कहाँ की हो? जय छिंदे हमारी बैर कॉलोनी जुम्मा को। तो यहाँ पे तो अभी रह रहे हो, पीछे से कहाँ से हो? आ? सांगड़ से। सांगड़ से माँ जी है? सांगड़ से आई है माँ जी? सांगड़ से आई है। और तुम कहाँ से आई हो? हम भी सांगड़ के। तो सांगड़ से यार तुम लोग कराची में कौन लेकर आया तुम लोग? सैलाब आ गया था, सैलाब खत्म हुए हुए अरसा बीत गया, जमाना बीत गया, सैलाब तो पता नहीं, सैलाब तो गए हुए, जमाना बीत गया, तुम लोग वापस क्यों नहीं जा रहे हो? ये सारा दिन जो है ना भीख मांगते हैं, इनके बड़े जो है ना जो नौजवान है वो डाके मारते हैं, और जो बड़े बच्चे हैं बच्चे भी चोरियां करते हैं, ये इन काम पे काम, ये कराची के लिए बदनुमा दाब धब्बा है। ये वैसे आपसे बड़े मजलूम बन के भीख मांगते हैं, बेचते फोन के बेचते, हम तेरे को साबुत ही दिखा रहे, हम चोरी हम नहीं करते किसी की। अच्छा चलो चोरी के छोड़ो, चोरी की बात नहीं कर रही मैं, लेकिन तुम भीख क्यों मांग रहे हो हमारे शहर में? नहीं मांगते हम लोग, कारोबार बेचते बाजे बाजे, हम कारोबार का रिक्शा खड़ा हुआ है। ये देखिए पीछे इनका रिक्शा खड़ा हुआ है, और मैं आपको जरा दिखाती हूँ, आइए इरम जरा साथ में। अबे तो भाई बेच क्यों नहीं रहा? ले ये बेच रहे, अभी बैठे आके बैठे भाई, आगे फनवा दिया तूने। तुम्हारी बच्ची खुद मुझसे भीख मांग के गई है, अचानक समोसे तो बेच क्यों? पता नहीं कौन सा शोर मचा दिया तूने। अरे ओ भाई आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। ये देखिए एक इनको जब जिसमें ये सामान उठा के लाए, मैंने देखा है वो रक्षा इनका खड़ा है, और ये एक टाइमिंग होती है ये यहाँ पे रहेंगे, और फिर सुबह होते ही जब फजर होगी तो ये गरीब हमारा अपना कारोबार। भाई तो अपने शहर में क्यों नहीं जा रहे हो, लेके कौन आया तुम लोगों को यहाँ? मजबूरी होती तब इधर आते, हमारी मजबूरी। क्या मजबूरी? मजबूरी बता सर मुझे, क्या काम करती हो तुम, क्या काम करती हो? हम अपना कारोबार पोनी बेचते टिफिन बेचते, हम अपना कारोबार करते, मांगते हम नहीं है। तुम दस के हैं? टिफिन लेके गाड़ी, लेके गाड़ी में वो गाड़ी में रखे हैं बड़े। मामा पोनी टिफिन बेचते, मांग भीख नहीं मांगते हमारे बच्चे। कपड़े लेता हूँ मैं, कपड़े लेता हूँ, पुराने कपड़े लेता हूँ मैं, और पुराने कपड़े लेता हूँ मैं, और टिफिन लेता हूँ। तो फिर आप
एक तो ये कि आप अपने शहरों में वापस जाइए और दूसरे जी 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 मैडम कैसी हैं? खैरियत से। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, देखें ये वो लोग हैं कि जिनको ना हमारी गवर्नमेंट कोई तहफ़ देती है, ना इनको रहने के लिए छत देती है, ना इनको रोज़गार मुहैया करती है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि आप एक अवामी वो नुक्ते नज़र से इस पर सवाल उठा रही हैं, इस मुद्दे को उठा रही हैं। तो सबसे पहले ये मेरा आपसे सवाल है कि इस तरह से रोड के ऊपर किसी की तजलील करना, ये आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, आप हैं कौन? आप हैं कौन? आप इनको सरपरस्ती, अपने सरपरस्ती को कबूल कर रहे हैं? आप इनकी सरपरस्ती कबूल कर रहे हैं? मुझे दे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो लेना। आप क्या करते हैं? मैं कोई आप करते क्या हो? आप करते क्या? आम शहरी हूँ। आप कराची से नहीं हो? आप शहरी नहीं? नहीं, कराची का शहरी पहचाना जाता है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल इसका मतलब ये है कि आप पूरे पेशावर कदाकारों का यहाँ पे आप उसको फेवर करोगे? आप अपनी गवर्नमेंट से सवाल करें, वो इनको मखसूस है। और भाई गवर्नमेंट मेरी बात सुने, मेरी बात आप तो मुझे खुद का ये वो लोग हैं जो इंटीरियर सिंध से आए हुए हैं। आपके कराची के अंदर, आपके कराची के अंदर अफगानों के खिलाफ हो रहा है ऑपरेशन, अफगानों के खिलाफ हो रहा है ऑपरेशन, करने वाला काम है वो करें। अफगानों के खिलाफ हो रहा है, ड्रग माफिया चल रही है कराची के अंदर, स्नेचर चल रहे हैं, वो मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे आप लोग? आप मेरे साथ चले, मैं आपको बताता हूँ ड्रग्स कहाँ पर मिलती है, स्नेचिंग। वो आपको आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है। उस इशू को उठाए ना, उठा लेंगे जब उठा रहा होगा। आज ये इशू है, आज ये इशू है, सुने आज ये इशू है, सुने सुने। आप फेवर कर रहे हैं इन कदाकारों की, इनके लिए सबसे आप कदाकारों की फेवर कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके अल्टरनेट इनके लिए कोई बंदोबस्त किया जाए ना, इनको रहने के लिए कराची मांगेंगे। अपने घरों में क्यों नहीं, कराची से बाहर इनको शेल्टर, कराची से बाहर क्यों इधर मुकर दिए जाए? इधर मत, अगर इनका काम नहीं है, इनके पास रोजगार नहीं, भीख मांगेंगे तो वो खुदकुशियां कर लें। नहीं तो क्या करें, मतलब क्या करें, जहाँ से आए खुदकुशियां करें? बात गुरबत की नहीं हो रही, बात इन माफिया की हो रही। वो इसी मिट्टी के रहने वाले, इसी मिट्टी के रहने वाले, इसी मिट्टी के रहने वाले हैं वो। खुदकुशी ये लोग नहीं करते मेरे भाई, खुदकुशी करने वाले सफेद पोश बंदा इनकी वजह से खुदकुशी कर रहा है, क्योंकि सारा हक ये लेके जा रहे हैं, ये हराम खोर लेके जा रहे हैं। और ये आपकी नजर में ये हराम खोर? बिल्कुल हराम खोर, इसी के ऊपर हराम खोर, इसी के ऊपर तोहमत लगाना आप मुझे बता दीजिए, आप बिल्कुल अच्छी बात है, इनको एक्सपोज करना बिल्कुल अच्छी बात है। मैं किसी का सरप्रस्त नहीं हूँ, आप हैं, आप कहीं ना कहीं से आप बता रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ मैं खुद, जनरल कौन? आपका नाम क्या है? नाम क्या है? आप किस तरह नाम? आप गवर्नमेंट के सामने ये इशू उठाए, आप गवर्नमेंट के सामने ये इशू उठाए कि इनको रहने के लिए शेल्टर दिए जाए? ये बंदा खुद इनका कारिंदा है और ये यहाँ पर इनको सरपरस्ती में अपने लेने के लिए, और फौरी तौर पे इसको कॉल की गई, इस बंदे को, इसको बंदे को एक्सपोज कीजिए। ये बाकायदा तौर पे खावतीन से बदतमीजी है इस वजह से कर रहा है जो इनको। शख्स का मुझे आप ये रिकॉर्ड दे दो कि उस शख्स ने यहाँ बैठ के खुदकुशी की है, आपको हम बताएंगे कि 1000 लोग खुदकुशी कैसे करते हैं। तो आप मैडम सबसे पहले ये चीज, अच्छा पहले आप दूरों के बात कीजिए, आप उनका अल्टीमेट तलाश करें, बात कीजिए। ये मीडिया के जितने भी नुमाइंदे हैं ये अपनी रेटिंग के लिए काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। निशानदेही मीडिया करने वाले कामों का करे, आप गवर्नमेंट, आप हमें हमारा काम खाली करो, आप समझाएं हमें, सिटीजन से भरा हुआ है उसको खाली करवाएं। ये कराची के शहरी का हक खा रहे हैं, आप मुझे बताएं अगर ये सिंध से है तो ये गवर्नमेंट से बताएं, कराची में लॉ एंड ऑर्डर किसने कंट्रोल करना है? वो आप गवर्नमेंट के नुमाइंदों से ये सवाल क्यों नहीं कर रहे? कर दिया है इनको इजाजत दी के, कर दिया है उसे सवाल। अभी तो मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन करवाती हूँ, आप कौन है? आप अच्छी तरह करवाएं, मैं करवा लूंगी, आप मुझे नहीं सिखाएंगे क्या कर रहे हैं, मुझे क्या नहीं करना। ये इस बंदे को कॉल की गई यहाँ पर और ये जिस तरीके से इनके अब्बा जान बन के आई है पूरे फकीरों के, इनको कुछ ना कहा जाए, इनको जो है वो आप कैसी बातें कर रही हैं गरीबों का बजाय साथ देने के, आप ये गरीब नहीं है, ये माफिया है, ये कराची के जड़ों में बैठने वाला माफिया है। और वो इस वक्त ह्यूमन राइट्स के जो इस वक्त नुमाइंदगान हैं और जो उनके अहदेदार हैं ये उनसे उलझ रहा है बाकायदा तौर पे। इस वक्त सारे आप कॉल कीजिए पुलिस को, कैमरा करें, वो इनका रक्षा तैयार खड़ा हुआ है, वो जरा देखिए अब ये किस तरीके से भाग रहे हैं, अब वो किस तरीके से भाग रहे हैं, अब आप जरा देखिएगा, वो देखिए किस तरीके से ये लेकर भाग रहे हैं अपना रिक्शा। और ये उनका पूरा का पूरा गैंग को सपोर्ट करने वाला जो है खुद आप ये देख लीजिएगा, मैं पुलिस को दिखा रहा हूं, वो है जो इनको सपोर्ट कर रहा है और यही यहाँ पे आके अगर उसको आवाज उठानी है तो वो गवर्नमेंट सिंध से आवाज उठाए या बैनर बना के लगाए, इन लोगों को बिठाए कि ये हमारे लोग हैं जो सिंध से आए हैं, इनको इनकी जगहें नहीं मिल रही हैं। आप यहाँ बैठ के
गदागरी कर रहे हो, चोरी चकारी कर रहे हो, हमारे मुल्क में हमारे शहर का सत्यानाश होके रह गया। हमारा गरीब आवाम इस वक्त कराची का शहरी जो कतल क्या इंतजाम कर रहे हैं, ये भाग रहे हैं यहाँ से, अब ये सारे के सारे इस वक्त यहाँ से भाग रहे हैं, और वो जो साहब है वो इनके सरपरस्त जो है उनको अपनी लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। सर ये तो खुद बंदा जो है वो उसका सरपरस्त, ये सरपरस्त है, ये माफिया है, ये इन इन लोगों से पैसे लेते हैं, शाम में इनका बाकायदा हिस्सा है, आगे लड़ने मरने के लिए भी तैयार हैं। इनको चाहिए था कि हमें पुलिस मोबाइल साथ लेके आते यहाँ पे। हमने ये प्लान नहीं किया था, हमें पता नहीं था, लेकिन आज ये देखिए कि हकीकत आपके सामने कर रहे हैं कि सरकारी मोटरसाइकिलों पे सरकारी लोग इनको शेल्टर दे रहे हैं। हम और आपका क्या आवाज उठाएंगे, हम क्या इनको इनको बाकायदा शेल्टर मिलता है, पुलिस वालों की तरफ से मिलता है, थानों पे। आज आपके सामने प्रोग्राम के तीसरे सीक्वल में हमने आपको ये दिखाया कहां कहां पे कहां से अब ये सारा बोरिया बिस्तरा यहां पे बांधा जा रहा है। ये देखिए खाली, सब खाली एकदम। अब इसको माफिया नहीं कहते तो क्या कहते हैं, अगर गरीब का कोई बात होती है सपोर्ट करने के लिए आ रहा है। देखिए जैसे आपने देखा कि एक मोटरसाइकिल पे दो पुलिस वाले आए हैं, ठीक है, उसके पीछे सपोर्ट में आप देख ले, सामने कैमरा दिखा सकते हैं कि वो उनको डायरेक्शन दे रहे हैं कि यहाँ से मूव करें थोड़ी सी देर के लिए, जब ये कैमरा चला जाएगा हम चले जाएंगे सब यहाँ से, तो ये दोबारा से आके यहीं पे डेरे देखना, फिर ये मिलेंगे ये लोग। ये रहा आपका शहर का पूरा, आपके सामने हमने दे दिया है किस तरीके से आपके शहर कायद को लूटा जा रहा है, आपको और मुझे लूटा जा रहा है। ये वो लोग हैं जो मेहनत करके खा रहे हैं, और इनकी इतनी जाहिर है कि ये बेचारे यहाँ पर बैठ के मालिश वगैरह कर रहे होते हैं, आपको पता है कि इनकी इतनी कमाई नहीं होती, इनकी बिल्कुल इतनी कमाई नहीं होती है, और इनको अगर आप इनको अगर चाय पीने के लिए या फिर इसके लिए देते हैं, ये हम पर वाजिब है कि अगर इनकी हम मदद करते हैं इनको वाकई में, ये हम पर वाजिब है, हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो आप सबके वो जो पैसे जो आपने अमानतन हमें दिए थे वो अमानतन हम सही जगह पे पहुंचा रहे हैं। चाचा मुझे बताइए कितने लोग हैं आप लोग? हम 20-25 लोग हैं। 20-25 लोग हैं चाचा, ये पूरे के पूरे आपके जो है ना इनके लिए, ये किसी अल्लाह के बंदे ने आपके किसी भाई और बहन ने आपके लिए भिजवाए हैं ये पैसे, तो आप आपस में बांट लीजिए ये, और ये बराबरी की बुनियाद पे बांटिएगा, ठीक है, सही है, सही है, आप सबको ये आप में मैं देख रही हूँ यहाँ पर, आप सबको बराबरी की बुनियाद पे बांटिएगा, और थोड़ी सी अगर जो भी आपको लगे आप उनको दुआ भी दीजिएगा, ठीक है, और ये आपकी अमानत आपके पास, ये आप ही की अमानत थी, आप ही आप सब आपस में बांट लें, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने भी आए भाई है आप लोग के लिए यहाँ पे दिए गए, ये मेरे सिर्फ इतनी देर की जो कमाई थी ना जो गदा करके तौर पर थी वो ये, अब वाजे रहे आपकी अमानत सही जगह पे पहुंच चुकी है। मैं साइमा कवल इस तीसरे सीक्वल से आपसे चाहती हूँ इजाज़त, लेकिन मैं अब वादा करती हूँ आपसे, फ़कीर माफिया गदागर माफिया के तो पीछे मैं पड़ गई हूँ, और मैं खुला ऐलान करती हूँ कि अब आपके पीछे मैं आऊँगी, ये सीक्वल की अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सीक्वल तो हम बनाते ही रहेंगे, मैं हर तरीके से जहाँ जहाँ ये बैगर माफिया होगी ना मैं इनके पीछे अब जाऊँगी। मैं साइमा कवल इस प्रोग्राम के आखिर में आपसे ये कमिटमेंट करती है, कराची से ये कमिटमेंट करती है, वादा करती हूँ। फिलवक्त इस वादे के साथ मुझे दीजिए मेरी टीम के साथ इजाज़त, आने के बाद